मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नमाज क्यों? जवाब तो देना होगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आज की बहस इसी पर कि आतंकियों के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नमाज क्यों पढ़ी जाती है। जो लोग शहीद हो जाते हैं उन्हें तो भूला जाता है, लेकिन आतंकियों के लिए रोना गाना क्यों? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल है। सतीश कुमार गौतम जो कि अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ शबनम लोन हैं, वकील हैं, और हमारे साथ काविश रजा जो कि एएमयू के स्टूडेंट लीडर रहे हैं पूर्व, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ मस्कूर अहमद उस्मानी भी जुड़ जाएंगे जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के मौजूदा अध्यक्ष हैं। काविश, पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, जब तक कि मस्कूर हमारे साथ नहीं जुड़े अभी, कि कभी जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद, कभी आतंकी के को लेकर जो नमाज पढ़ी जा रही है उसको लेकर विवाद, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा है और क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय कभी भी किसी भी आतंकी संगठन का या किसी भी इस तरह की गतिविधि का समर्थन नहीं किया है और ना ही कभी करेगा। जो एक चीज यहां पर है कि जो कुछ लोग जाकर वहां पर नमाज ऑर्गेनाइज किया और उसके साथ कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, जब वो नमाज पढ़ने के लिए गए थे वहां पे जो पूर्व में छात्रसंघ के अध्यक्ष फैजुल हसन साहब रहे, उन्होंने उसका विरोध भी किया और उन लोगों को इस चीज के लिए मना भी किया, बाकी स्टूडेंट्स को भी इन सारी चीजों से रोका। ऑलरेडी वहां पर इंक्वायरी कमेटी 3 लोगों की बन चुकी है, वो 72 घंटे के अंदर में रिपोर्ट सबमिट करेगी। उन 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और जो 4 लोग हैं उनको शो कॉज नोटिस भेज दिया गया, जिन लोगों ने नमाज पढ़ी थी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय को लगातार एक सॉफ्ट टारगेट है। जब मन्नान वाणी के ऊपर ये एलिगेशन लगे थे और उनके गुमशुदगी के बाद जब एजेंसीज आई थी उसका हमने पूरी तरह से समर्थन किया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी साथ दिया था और उसी टाइम उसको इन्वेस्टिगेट किया गया था। सर, तो ये सर हुआ ये है कि सोशल मीडिया पर लोग 2 बातें पूछ रहे हैं। एक तो ये पूछ रहे हैं सर, दो बातें लोग पूछ रहे हैं। एक तो ये पूछ रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही ये सब बार बार क्यों हो रहा है। 15-20 छात्र जो नमाज पढ़ रहे थे वो तो सामने आ गए, ये कैसे वेरीफाई होगा कि बाकियों की सोच ऐसी नहीं है जो आतंकियों को समर्थन करें? इसको आप कैसे वाजिब ठहराइएगा या दिखाइएगा कि बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते, और बार बार वही क्यों हो रहा है ये पूछ रहे हैं। अगर बाकियों की सोच ऐसी होती तो सैकड़ों लोग होते उस समय, चंद लोग नहीं होते। जो कश्मीरी हैं, जो 1-2 लोग हैं वही लोग नहीं होते, वहां पर हजारों लोग हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 28 से 30 हजार स्टूडेंट्स हैं, वहां पर चंद लोग नहीं होते इस चीज को। अगर होता तो वहां पर फैजुल हसन जो पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष थे वो इस चीज को कंडेम नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको तुरंत देखा कि अगर ऐसी कोई घटना हो रही है इसको तुरंत उन्होंने इस पर एक्शन लिया और उनको सस्पेंड किया। काविश आपने जो बात कही उसमें से 2 बात जिनको लेकर मेरे मन में सवाल है। पहली, आपने ये बात कही कि कुछ कश्मीरी युवक उसमें नहीं होते जो लोग नमाज अदा कर रहे थे। पहला, आप जब कहते हैं कि सिर्फ कुछ कश्मीर युवक नहीं होते उससे आपका मतलब क्या है? दूसरा, आप कह रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सॉफ्ट टारगेट है, किसके सॉफ्ट टारगेट पर है? स्टूडेंट्स तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के है ना। वो बिल्कुल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में देश विदेश हर जगह से आते हैं स्टूडेंट्स। अब हर किसी के बारे में कोई नहीं कह सकता कि वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। और अगर कुछ गलत होता है, अगर उसके खिलाफ हम एक्शन नहीं लेते, उसके खिलाफ हम जांच नहीं बिठाते, हमने 72 घंटे के अंदर, मेरे स्टार साहब ने कहा है कि 72 घंटे के अंदर में हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। जब सॉफ्ट टारगेट की बात जहां तक आती है, ये सॉफ्ट टारगेट जो है हमेशा से बीजेपी करती रही, पिछले जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से कभी आ जाता है रमजान में खाने का मुद्दा लेकर आ जाते हैं, जिन्ना का मुद्दा लेकर। सतीश गौतम जी, सर जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे, सवाल जो है उनको लेकर उठ रहा है, तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? सवाल तो सब लोग पूछ रहे हैं, सिर्फ बीजेपी नहीं पूछ रही, हम भी यहां पर पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, सभी लोग पूछ रहे हैं। मस्कूर हमारे साथ जुड़ गए। सर, एक मस्कूर का रिएक्शन लेने दीजिए। मस्कूर, एक बात समझाइए, आप तो मौजूदा अध्यक्ष हैं स्टूडेंट यूनियन के, कि ये छात्रों में ये सोच अगर कुछ में ही है तो कहां से आ रही है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो इतने साल से लोग पढ़ रहे थे और बड़े स्कॉलर्स वहां से निकलते हैं, ये कुछ लोगों को जो आतंकियों से प्रेम हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्या बदला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कि ये सोच पैदा हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे ही हम लोगों को मालूम चला कि मन्नान वाणी जो कि एक स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी का, उसने किसी टेरर आउटफिट को ज्वाइन किया है, किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, जनवरी की ये बात है। तो उसके बाद फौरन जो यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया कि उसको सस्पेंड और इन्वेस्टिगेट किया, और काफी सारे जिला प्रशासन को और जो भी टीम आई दिल्ली से उन तमाम लोगों को हमने पूरा कोऑपरेशन किया और हमने पत्र लिखकर भी कहा कि पूरी तरह से सहयोग हम लोग करेंगे इसमें, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
के अंदर जो है नेशनल सिक्योरिटी को देख के जो है हम लोग जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे हैं। किसी भी तरह से कोई भी राष्ट्रीय गतिविधि नहीं हो सकती है। अगर कोई टेरर आउटफिट या बैंड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो वो उसका अपना इंडिविजुअल फैसला है, इंस्टीट्यूशन से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से डीआरडीओ के निशांत अग्रवाल जासूसी करते हुए पाए गए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और तमाम चीजें हुई, सबके सामने है। डीआरडीओ एक बहुत बड़ा संस्था है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें इस देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी के साथ जो है अपना कर्तव्य। सर आप डीआरडीओ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर वहां कोई जासूसी करता पकड़ा गया तो आपने सुना कि डीआरडीओ के और 15 अधिकारी जो हैं उसके समर्थन में उतर आए और उसके लिए कुछ कह रहे थे? नहीं कह रहे थे ना। मेरा सवाल आपसे ये था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये सोच कहां से आ रही है? ये 15-20 लोग जो हैं जो नमाज पढ़ रहे थे, इसकी गारंटी कौन लेगा कि ऐसे और 50 लोग नहीं है? इसकी गारंटी कौन लेगा कि और मन्नान वानी वहां नहीं पैदा होने जा रहे? और जो लोग पढ़ने आए थे वो मन्नान वानी कैसे बन रहे हैं? आतंकी में कैसे तब्दील हो रहे हैं? क्या हो रहा है वहां पर? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं आपको कि जो वहां पे 15-20 लोग वहां पर आए वो कंडोलेंस मीटिंग के लिए आए, किसी तरह की जो है नमाज नहीं हुई वहां जनाजे की। और जब हम लोगों को मालूम चला तो जो भी लोग उस टाइम पे आसपास में थे सब लोग पहुंच के उसको उन्होंने कंडेम किया। मस्कुर आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए, आपने क्या कहा कि वो 15 लोग वहां क्यों आए थे? वो 15 लोग सभा के लिए आए थे जो मन्नान के गांव मोहल्ले के आसपास के लोग थे जो कंडोलेंस के लिए आए थे। तो हम लोगों ने फौरन उसको कंडेम किया और इस तरह की। पर आतंकी के लिए कौन सी शोक सभा सर? किसी आतंकी के मरने पे कौन सा शोक? यही तो सवाल है कि दिल में हमदर्दी क्यों है उस आतंकी के लिए? क्यों शोक है? किसी भी तरह के कोई शोक भी नहीं है। वो जो छात्र आए थे वो उनके गांव मोहल्ले के छात्र थे, ठीक है, कश्मीर के ही वो स्टूडेंट थे। वो कंडोलेंस मीटिंग के लिए आए थे जिसको जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स ने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको सीधे से खारिज किया कि इस तरह की कोई भी कंडोलेंस मीटिंग जो है यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होगी। साथ ही साथ एक बात बताऊं कि जो अहम मुद्दा है वो ये है कि क्यों एक नौजवान अपनी कलम को छोड़कर बंदूक को पकड़ता है, ये एक अहम मुद्दा है जिस पर सरकार को सोचना नहीं। मुद्दा ये भी है कि वहां पर एक आतंकी के लिए शोक सभा क्यों आयोजित की जाती है, मुद्दा ये भी है कि उसके लिए नमाज अदायगी क्यों की जाती है, और मुद्दा ये भी है कि प्रोक्टोरियल टीम को यहाँ पर इंटरवेंट करते हुए उन चीजों को रोकना क्यों पड़ता है। मस्कूर मैं लौटूंगी आपके पास, शबनम लोन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबनम लोन, मेरा पहला सवाल आपसे है और उसके बाद आगे की चर्चा आपसे इसी के आधार पर होगी, मन्नार वानी कौन है? जी मन्नान वानी कश्मीर की बदनसीब दास्तान का एक स्कॉलर है जिसने बहुत जहानत के बलबोते पे पीएचडी की डिग्री हासिल की। और बदनसीबी हमारी, बदकिस्मती हमारी कि उसके हाथ में कलम के बजाय बंदूक कैसे आई, यह सवाल मेरा हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तान के वजीर आजम से है। शबनम लोन जी मुझे एक बात बताइए, इस पैनल में आपको दो छात्र दिख रहे हैं, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन का मौजूदा प्रेसिडेंट है मस्कूर, और दूसरा आपको दिख रहा है केविश रजा जो कि स्टूडेंट यूनियन में रह चुके हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, दोनों छात्र हैं। इनको भी हो सकता है किसी बात पर दिक्कत रही हो, इन्होंने तो बंदूक नहीं उठाई, यहाँ टेलीविजन पर बैठकर अपनी बात कह रहे हैं, ये विचार विमर्श कर रहे हैं, किसी बात का विरोध हो। जब जिन्ना, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, जब जिन्ना को लेकर विवाद हुआ था केविश हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आए थे, उन्होंने विरोध किया, सब कुछ किया, बंदूक नहीं उठाई। जो बंदूक उठाता है उसको अपनी गलती माननी होगी, और आप लोग जब ऐसे लोगों को स्कॉलर बताते हैं तो बाकी लोगों को समझाते हैं कि ये रास्ता अपनाया जा सकता है। सुनिए मैं खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्रा रही हूँ, मैंने वहीं से लॉ की तालीम हासिल की, मैंने वारिद मोहतरम साहब भी वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ किया था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुझे उतना ही बेहद लगाव प्यार है जितना उतना, मुझे उतना ही लगाव शबनम लोन, जितना लगाव आपको इन्हीं आतंकियों से है जो बंदूक उठा लेते हैं, और उसके बाद आप ये कहती हैं कि ये भटके हुए छात्र हैं, इन्होंने बंदूक क्यों उठाई? आपने बंदूक क्यों नहीं उठाई? मेरा सवाल ये है, शबनम लोन, कामेश, मस्कूर, इन लोगों ने बंदूक क्यों नहीं उठाई? आपकी बात वाजिब है,
समझ आती है मुझे कि आपके जहन में जो कंफ्यूजन है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, दो युवा चेहरे यहाँ हैं, आप उनका जवाब सुनिए। काविश मुझे ये बताइए, काविश इस देश में हर आदमी को 100 समस्याएं हैं, काविश रजा ने क्यों बंदूक नहीं उठाई, मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए। एक सेकंड सुन लीजिए, काविश रजा आपने बंदूक क्यों नहीं उठाई है, मुझे ये बताइए अब तक। मुझे बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ पर मैं अपनी बात रख सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ, वाद विवाद के जरिए बातें हो सकती है। मैंने पहले मशकूर, और अभी मशकूर आपने बंदूक क्यों नहीं उठाई है अब तक, मशकूर आपने बंदूक क्यों नहीं उठाई है। मैं इस देश का नागरिक हूँ और मुझे इस देश के संविधान में पूरी तरह से विश्वास है और मुझे इस बात का यकीन है कि जो भी चीजें हैं वो वाद विवाद पे हल हो सकती है। शबनम लोन आपको सुनाई दिया, ये इस देश के दो युवा हैं जो बता रहे हैं कि उनको संविधान में विश्वास है, उनको बातचीत के रास्ते पर विश्वास है, उन्होंने बंदूक नहीं उठाई। आपको क्या लगता है, मुझे संविधान में विश्वास नहीं है, आप तो सिटीजन भी नहीं मानती अपने आप को भारत का, आप मनान वाणी को क्यों समर्थन दे रहे हैं, आप सिलेक्ट क्यों हैं, आपकी सोच जो है आप सच मानने पे तैयार नहीं है। और शबनम लोन आपका सच क्या है, शबनम लोन आपका सच क्या है, ऐसे आतंकियों का सच आपकी नजर में क्या है, शबनम लोन जो लोग बंदूक उठाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, उठा के ले जाते हैं और मारते हैं, खून खून है यहाँ पर। कश्मीर की आबादी कितनी है शबनम लोन, आपको क्या लगता है शबनम लोन कश्मीर की आबादी कितनी है आपको पता है, और उसमें से कितने लोगों के हाथ में बंदूक है। अगर खून खून है तो सबने बंदूक का रास्ता नहीं हो चुना है। आपने देखा अभी पंचायत चुनाव हुए, लोग घरों से बाहर निकले और वोट दिया, उन्होंने बंदूक नहीं उठाया। आप जैसे लोग युवाओं को बरगला रहे हैं, उनको बता रहे हैं बंदूक उठाने का रास्ता ठीक है। बंद कीजिए इस खून, आप बंद कीजिए मैडम, आप जो कर रही हैं इस देश के खिलाफ वो बंद कीजिए। शबनम लोन ऐसे लोगों को शहीद बताना बंद कीजिए जो आतंकी है, आप लोग बढ़ावा देते हैं ऐसे लोगों को, आदत है। अलगाववादी भी ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, फंडिंग करवाते हैं आप ऐसे लोगों की। आपके सामने स्क्रीन पर दो युवा हैं जो आदर्श हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, हर देश में समस्या होती है मैडम, बंदूक उठाना हल नहीं होता। मुझे ये बताइए सतीश कुमार गौतम जी, कि ये जो हो रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आप वहां से आते हैं, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा माहौल, पहले तो शबनम लोन जी को बंद करिए थोड़ा सा, ये सुने की जिंदगी को रोल शबनम लोन चाहे बताना चाहता हूँ, 30 सेकंड आप रुके, शबनम लोन 30 सेकंड मारा गया, सिर्फ 30 सेकंड शबनम लोन 30 सेकंड सुरक्षा बलों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, और दो यूनिवर्सिटी के मेरे छात्र आज पैनल में हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने फुटेज को रोका और उन बच्चों को खदेड़ा कि इस तरह का यूनिवर्सिटी में कोई भी विरोध नहीं किया जाएगा। और जो शबनम लोन जी बोल रही है, इन लोगों की बदौलती ऐसे आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, जिस तरह की ये बातें करते हैं, इस तरह की बातें करती हैं, एजुकेशन पार्टनर और इस तरह की बातें करती है, हमारे देश में इन्हें संविधान का भरोसा नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं देकर यहाँ का खाना यहाँ का पीना और बात करना। प्लीज प्रेम शुक्ला, सुन रहे हैं आप इतनी देर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, इतनी देर से आप सुन रहे हैं इन लोगों को, आपको लगता है ये तस्वीर इस तरह की दिखनी चाहिए? शबनम लोन कहती है कि वो भटका हुआ युवा था, और हर बार की तरह इस बार भी यही स्टेटमेंट इनकी तरफ से आया है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये आतंकी को आतंकी कहें, सेना के व्यक्ति को जो शहीद हो जाता है उसे शहीद कहें। ये कहती है आप अपनी सोच बदलिए, लेकिन इनकी सोच कब बदलेगी? जो कुछ भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहा है, आखिर ये तस्वीर क्यों बदलती नजर आ रही है, क्यों ऐसी सोच डेवलप हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में यहाँ दो छात्र नेता बैठे हैं, और दोनों छात्र नेताओं की जो सोच है वो निश्चित तौर पर अभिनंदनीय है, लेकिन जो शबनम लोन जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान परस्ती में, अलगाववाद में, आतंकवाद में विश्वास रखते हैं, उनको जो है बदलने की आवश्यकता है। आप बार-बार तर्क दिया, मुसलमानों को तर्क यह है कि पढ़ा लिखा लड़का आतंकवादी क्यों बन जाता है, तो आप कृपा करके मुझे बताइए ना, उसमें आतंकवादी क्यों बन गया, आतंकवादी क्यों बन गया, क्योंकि आपके रेडिकल इस्लाम जो है वो गलत तरीके से आतंकवाद की बात
बात कीजिए, आतंकियों की बात कीजिए, आतंकियों की बात कीजिए, शबनम लोन पाकिस्तान के पीछे छुपना छोड़ दीजिए। आतंकी आप हैं जिन्होंने इस देश के कानून को धज्जियां उड़ाई है, आपके यहाँ के कानून की। आप देखिए सामने वाला सरकार में क्या हो रहा है, जानते हैं वहाँ का शबनम लोन। मुझे एक बात बताइए प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपके पास लौटता हूँ। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड दीजिए मुझे, मैं आपके पास लौटता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, शबनम लोन, शबनम लोन जी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं, आप कह रही हैं कश्मीर खून से लथपथ है, ठीक है, सुनिए ना मेरी बात सुन लीजिए पहले, आपको पूरा मौका दे रहा हूं, आप ही बोलिए। कश्मीर खून से लथपथ है, ठीक है, आप ये कह रही हैं। यहां पे दो युवक बैठे हैं, वो कह रहे हैं उनको बंदूक नहीं उठानी। आपको कश्मीर खून से लथपथ दिखता है, आप बंदूक क्यों नहीं उठाती, मुझे इतना बता दीजिए बस। हाँ ठीक है, देखिए इन्होंने जो कहा, ये जो दो छात्र हैं इन्होंने सही कहा। पहले आपको ये सवाल इनसे पूछना ही नहीं चाहिए था, क्या आप बंदूक उठाना चाहेंगे कि लिंचिंग हो रही है वहां पर, क्या आप उस हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मुसलमान? मैंने तो कभी लिंचिंग, मैंने तो किसी लिंचिंग वाले को सही नहीं ठहराया, नहीं कहा कि उसका दर्द समझिए कि कैसे जिस गाय को वो माता मानता है उसको कोई मार रहा है तो वो लिंचिंग कर रहा है। ये अगर बोलता तब आप पूछती, क्या ये वाजिब तर्क हो सकता था? मैं कॉन्स्टिट्यूशन के तौर से, मैं जस्टिस के तौर से लड़ूंगी, मैं उसी तरह से लड़ूंगी जिस तरह से कानून की तरह अच्छा, से लड़ाई लड़ी जाती है। आपको लगता है आप संविधान के हिसाब से चलेंगी, और जो युवा है मन्नान वानी जैसे, बुरहान वानी जैसे, उनको आप बरगलाएंगी कि कश्मीर खून से लथपथ है, तुम बंदूक उठालो। आप गौ माता के नाम पर किसी का कत्ल करते हैं, आप 10 सेकंड के लिए, वो आप 10 से 20 सेकंड के लिए ऐसी बात कर सकती हैं, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसके जवाब के तौर पर, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है 20 सेकंड के लिए, क्या उसका जवाब देंगी आप? आप बताइए, आप कैसे किसी आतंकी को शहीद कह सकती हैं? कैसे जो लोग देश का नुकसान करते हैं, जो देश के लिए गद्दार हैं, उनको आप भटका हुआ युवक बता सकती हैं? आप उनको शहीद कैसे कह सकती हैं? फिर आप कहती हैं कि कश्मीर लहूलुहान नजर आ रहा है। कश्मीर को लहूलुहान कौन कर रहा है शबनम लोन? मैंने कश्मीर को लहूलुहान कौन कर रहा है शबनम लोन? बुरहान वानी जैसे, मन्नान वानी जैसे लोग कर रहे हैं। ये हमारी बदनसीबी है। किसकी बदनसीबी? आपकी बातचीत की बदनसीबी है कि हमारे नौजवान और होनहार नौजवान मारे जा रहे हैं। शबनम लोन मैं बताऊं इस देश की बदनसीबी क्या है, सड़कों पे शबनम लोन जी सुनिएगा, इस देश की बदनसीबी क्या है, इस देश की बदनसीबी ये है, शबनम लोन सुनिए, इस देश की बदनसीबी क्या है, शबनम लोन सुनिए, इस देश की बदनसीबी क्या है, इस देश की बदनसीबी ये है कि अलगाववादी अपने परिवार के लोगों को बाहर विदेश में नौकरी करवाते हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, और यहाँ युवाओं को हाथ में पत्थर थमा के बोलते हैं कश्मीर की आजादी के लिए लड़ो। आप जैसे लोग खुद संविधान की बात करते हैं और गोली से डरते हैं, बंदूक नहीं उठाते, और युवाओं को जो मारे जा रहे हैं उनको कहते हैं कि कश्मीर खून से लथपथ है, बंदूक उठाओ। मैं ये देखिए सुनिए, मैं टॉपर रही हूँ, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया है और मुझे डिस्टिंक्शन था लॉ में, तो अच्छा लगता है। मैं सारे शबनम लोन अच्छा लगता है जिस यूनिवर्सिटी से आप पास आउट है, बहुत शबनम लोन अच्छा लगता है आपको, और शबनम लोन आपको अच्छा लगता है जिस यूनिवर्सिटी से आप पास आउट है, वहाँ का स्टूडेंट आतंकी बन जाता है और उसके बाद उसके लिए शोक सभा का आयोजन होता है, अच्छा लगता है आपको? शबनम लोन की बात कहूंगी, आप हम कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करते रहे। कौन बदनाम कर रहा है आपको? शबनम लोन कौन बदनाम कर रहा है? यहाँ पर शोक सभा का आयोजन कौन करता है? और जब सारे कश्मीरी मुसलमानों के नाम को बदनाम करना होता है तो कहते हैं कि आपने कश्मीरी पंथों को मारा। प्रेम शुक्ला, शबनम लोन प्लीज, सारे हिंदू शबनम लोन मांगे। ठीक है, महबूबा मुफ्ती ने क्या बयान दिया? महबूबा मुफ्ती तो कहती है इट्स अ ह्यूज लॉस, माफी मांगे। महबूबा मुफ्ती कहती है इट्स अ ह्यूज लॉस, ये 3 साल क्या मन्नान वानी के बनने पे वो कहती है इट्स अ ह्यूज लॉस कि हिंदुस्तान से माफी मांगे। ठीक है, आप जैसे लोग इस सोच के साथ माफी मांगे बीजेपी के साथ, ये बीजेपी क्या कर रही थी 3 साल? ठीक है, इनकी तबीयत ठीक हो गई उस वक्त? ठीक थी, थोड़ा रुकिए, बाकी लोगों को भी सुन लीजिए। ठीक है, शर्म आनी चाहिए, शबनम लोन जी बेहद शर्म आनी चाहिए, शबनम लोन जी बाकी लोग भी बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, शबनम लोन जी बाकी लोग भी बोलना चाह रहे हैं। शबनम लोन जी पढ़ी नहीं, अगर पढ़ी होती तो इस तरह बात नहीं करती।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतना नाम है, मुझे आपसे इसका कोई जवाब नहीं। ये आप केवल पढ़ने नहीं, केवल घूमने सब लोग उंगली कर रही है, ये यूनिवर्सिटी का नाम उंगली कर रही है, इन्हें पाकिस्तान रहना चाहिए। कभी मैंने एजुकेशन नहीं सीखी। शबनम लिंचर लिंचर होता है शबनम, और ये बीजेपी वाले से कह दें कि मैं लिंचरों से नहीं घबराती। आप दाबोलकर का मर्डर करते हैं मैडम, थोड़ा सा रुक जाइए, आप लोग दूसरों को सुनने नहीं देना चाहते। आपके जो कविश, एक सवाल मैं पूछ लूँ जरा, कविश एक बात बताइए, कविश आप तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, क्या इससे पहले ऐसा तो नहीं कि कश्मीर में कोई पहला आतंकी मारा गया है? क्या इससे पहले कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी आतंकी के मारे जाने पर नमाज पढ़ी गई थी? नहीं, बिल्कुल इससे पहले कभी नहीं पढ़ी गई। एक और चीज आपको बता देंगे कि जब गुलजार वानी जुलाई 2001 में अरेस्ट हुए थे तो इस तरह से उन पर भी बहुत सारे लांछन लगे, बहुत सारी चीजें हुई, 15 FIR उनके ऊपर किया गया। उसके बाद वो केस 16 साल तक चल रहा है, 20 मई 2017 को वो बाइज्जत बरी हो गए हैं कोर्ट से। तो इस तरह की चीजें हुई है कि वहां पर कुछ लोगों को फ्रेम भी किया गया इस तरह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय कभी भी समर्थन नहीं किया, वो हमेशा अमन पसंद रहा है, और भारत के प्रति जो उसका नजरिया रहा है वो हमेशा, इसने भारत को जाकिर हुसैन और लियाकत अली जैसे लोग, मुझे एक बात बताइए सर, मुझे एक बात बताइए, अगर 10-15 लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चेहरा नहीं हो सकते, अगर उन्होंने किसी आतंकी के लिए नमाज पढ़ दी तो ये नहीं कहा जा सकता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम छात्रों की यही सोच है, तो कुछ युवा जो कश्मीर में बंदूक उठा रहे हैं वो कश्मीर की पहचान कैसे हो सकते हैं जो कि शबनम लोन दिखाना चाहती हैं? कश्मीर का बाकी लोग जो हैं वो अभी वोट डाल रहे हैं, वो लोकतंत्र में विश्वास रख रहे हैं, वो तस्वीर क्यों नहीं है? हम ये नहीं कह रहे कि वो कश्मीर की पहचान है, हम ये नहीं कह रहे कि वो कश्मीर की पहचान है, लेकिन जो भी किसी ऐसे संगठन को सपोर्ट करता है वो उसी कैटेगरी में आएगा जिसमें मनान वानी है, वो उसी चीज में रहेंगे। हम नहीं कह रहे कि हर सारे कश्मीरी वैसे हैं, लेकिन जो लोग वहां किया है उनके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बैठी है, एक्शन लिया जाएगा, 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगी, ऑलरेडी उनको बाहर का यूनिवर्सिटी से बाहर दिखा जाएगा, बाकी प्रशासन अपनी कार्रवाई पूरी करेगा। ठीक, प्रेम शुक्ला से मेरा एक सवाल है, प्रेम शुक्ला जो आप सवाल इस वक्त सुन रहे हैं जो शबनम लोग उठा रही है, और साथ ही मुझे लगता है कविश ने भी ये सवाल उठाया था कि आखिर क्या है ऐसा कि इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो बंदूक उठा लेते हैं, उन्हें किसी बात को लेकर नाराजगी है? यकीन मानिए सवाल हर बार उठाया जाएगा और हर बार सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप पीडीपी से भले ही अलग हो गए हों, लेकिन महबूबा मुफ्ती अब चाहे जो भी कहते हो लेकिन जवाबदेही आपकी बनती है इस बात पे। पूनम, उसका जवाब देना चाहेंगे, निश्चित हम उसका जवाब देंगे जी। देखिए, जो बारंबार यहां पर शबनम लोन कह रही है कि चूंकि वहां पर अत्याचार हो रहा है कश्मीरियों के साथ इसलिए बंदूक उठा रहे हैं, तो कृपा करके बताइए 4 लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से मार कर बलात्कार करके हत्या करके निकाल दिया गया, उसमें से कोई आतंकवादी क्यों नहीं बना? इसलिए आतंकवादी नहीं बना क्योंकि उसका किसी प्रकार का आरोप शिक्षण दिया गया, न उसके धर्म स्थान दिया गया। वहाबिज्म जो है, वहाबिज्म जो है वो आतंकवादी बनाता है। मैं सच बोल रहा हूँ, आप झूठ नहीं हो, आप आतंकवादी हो कि मौसम झूठ बोलने जा रही है, क्योंकि आपने वहाबिज्म को स्वीकार किया है। इस्लाम में एक वहाबिज्म की धारा है, सच ये है कि इस देश में बड़ी आबादी हर रोज रात को भूखे पेट सो जाती है, लेकिन उनमें से कोई बंदूक नहीं उठाता। इस देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, उनमें से कोई बंदूक नहीं उठाता। हर देश में समस्या होती है और उस समस्या को बातचीत से संविधान के जरिए सुलझाने की कोशिश हो सकती है, जैसा दोनों युवा इस पैनल में कह रहे थे, और उन दोनों की तारीफ करनी चाहिए कि जिन लोगों के मन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर संदेह हो रहा होगा, कविश और मस्कूर दोनों ने उस संदेह को दूर कर दिया आज ये कहते हुए कि वो कंडेम करते हैं कि जो भी वहां हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्यों एक नौजवान, एक युवा, 26-27 साल का लड़का, आखिर उसकी सोच को किसने गंदा किया या किसने उसको मोटिवेट किया कि वो कलम को छोड़ के बंदूक उठा ले? क्योंकि मन्नान वानी एक अच्छे स्कॉलर था, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो देखिएगा तो एक अच्छे